नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की ओर रुख करेंगे, शुरुआत करते हैं पंजाब से, जहां पंजाब कांग्रेस के दफ्तर में आज भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए कई कमेटियों की बैठक बुलाई गई है। इस बीच कमलजीत बराड़ के पैसों को लेकर वेंडिंग पर लगाए गए आरोपों पर विंग ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे कोई भी किसी भी आरोप लगा देगा तो उसमें किसी तरह की सच्चाई हो ये जरूरी नहीं। हो सकता है गुजरात चुनाव नू लैके कहती होवे कि बड़ा हल्ला गुल्ला सी लॉ एंड ऑर्डर नू लैके। पंजाब दे विच लोग उत्थे सवाल करदे सी कि लॉ एंड ऑर्डर दी स्थिति खराब है, गैंगस्टर जिहड़े दिन दिहाड़े घूम रहे ने, मार रहे ने। सो हो सकता है ये पोलिटिकल स्टंट होवे। अजकल जुमला भी बहुत चल रहे हैं। बंदे दी लत्तां कंबनियां चाहीदियां वैसे। सो एक बंदा गैंगस्टर उल्टा यह कहे कि मुख्यमंत्री नूं पता ही कुछ नहीं, एवें धूड़ च टट्टू दबी जांदे है। सो एड्डी वड्डी गल करनी, मैं समझदा कि इहो जी गल झूठी भी नहीं करनी चाहिए। पर उस तो बाद वख-वख मीडिया सेंटर्स ने, वख-वख ओपोजिशन दे लीडर्स ने, आम लोगों ने सवाल चुके कि जदों ये गल है नहीं सी तो तुसीं ये कही क्यों है, तो कोई पुष्टि करो। डीजीपी साहब नूं मैं भी ट्वीट लिखिया। पंजाब के संगरूर में संसार मिट्टी दिवस के मौके पर नेचर कंजर्वेशन ने किसानों से अपील की है। कहा गया कि पराली को आग लगाने से मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है। कहा यह भी गया कि बिना पराली को आग लगाए काफी तरीकों के साथ गेहूं की फसल बीजी जा सकती है। सर सोयल हेल्थ देखो, अपने अग तो बचाना जी, जिहड़े खतरनाक जहर ने बेलोड़ी जहर उन्होंने बचाना जी, और जिहड़ी बेलोड़ी पानी की वरतों है असं उदो बचाना जी। ता ही असं जी साढ़िया आने वाली नस्लों ने जी उन्होंने वास्ते कुछ सेव कर सकते हैं। अदरवाइज जिदा के हालात ने असी बिना मतलब तो मतलब कि दो दो महीने पानी खड़ा रखना, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਰੋੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। और 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी के गठन के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी का कुंभा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सैकड़ों ग्रामीणों ने कांग्रेस और अन्य दलों को छोड़कर जननायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो वहीं शाहबाद विधायक रामकरण काला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लगातार पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों का पूरा मान सम्मान किया जाएगा। पार्टी का 5 साल पहले गठन हुआ था, जब से दुष्यंत चौटाला जी, अजय चौटाला जी की नीतियों में चलते हुए लोगों ने पार्टी के अंदर विश्वास जताया और इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। 10 विधायक कार्यकर्ताओं ने जननायक जनता पार्टी को देने का काम किया, जिसमें हमारे विधायक रामकरण काला जी शाहबाद से हैं। और विधायक जी के जो काम पिछले 3 सालों में इन्होंने काम किए हल्के के अंदर, उन कामों को देखते हुए, इनके प्यार को देखते हुए, इनकी नीतियों में और जननायक जनता पार्टी की नीतियों में लोगों ने विश्वास करके हमेशा से पार्टी के साथ जुड़ने का काम किया है। और जो आज कठुए से कई पार्टियों को छोड़ के इन सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया, मैं इनका पार्टी के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हरियाणा में धर्म परिवर्तन कर शादियां करने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि ताजा मामला फरीदाबाद से है, जहां धर्म परिवर्तन कर एक लड़की ने मुस्लिम युवक से शादी कर ली। इसके बाद पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर विधि के विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 के तहत ये मामला दर्ज किया है। अब इस मामले की जांच की जा रही है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको इस FIR के लिए? सर मुझे इस FIR को जो मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने एप्लीकेशन दिया था वो 8/11 को दिया था जी। 8/11 से सर हमने बहुत कोशिश करने के बाद में हमारा जो FIR है 2 दिसंबर को दर्ज की गई। 3 हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो गया जी। क्या दिक्कतें आई थी FIR लॉन्च कराने में? सर FIR दर्ज करने में दिक्कत ये आई थी सर, इसमें इस एक्ट के बारे में पुलिस स्टेशन में किसी को विधिवत पूरी जानकारी नहीं थी। क्या एक्ट है, क्या ये एक्ट? सर हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 जो 8 जून 2022 मैंने मुकदमा दर्ज करवाया है अपने धर्मांतरण के एक्ट के तहत।
क्या मुकदमा है, मतलब क्या हुआ आपके बच्चे का, कब का मामला है? जी सर, बच्चे का मामला 28/10 2022 का, तो बेटी हमारी सुबह ड्यूटी गई है और जो है पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, मुझे जब ऑफिस हस्बैंड छोड़ के आए हैं वहाँ से मुझे एक कॉल आई है कि आपकी बेटी छुट्टी पे थी। मैंने कहा नहीं, अभी अभी ऑफिस छोड़ के घर पे आए हैं। तो मैं डर गई और फिर मैंने बेटी को फ़ोन मिलाया, बेटी का फ़ोन बंद था, तो मैं परेशान हुई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देख के डरती थी। मुझे जिस पे शक था, एक साल पहले कुछ बातें हुई थी जिससे वो हमारे घर पे आए थे, उनके मम्मी पापा लड़के के एक जावेद खान हैं। मैंने उनको बोला हमारी हिंदू मुसलमान में। और जन्मदिन प्रोग्राम में शामिल होकर वापस लौटते समय मोटरसाइकिल सवारों को एक मैक्स पिकअप ने टक्कर मार दी है। इस दुर्घटना में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और दुर्घटनावश एक मासूम बच्चे की मौत हो गई जिसकी उम्र महज 1 साल थी। बता दें आपको कि 4 लोग बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, थाना बागवाला से अचलपुर जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत गाँव के पास ही पीछे से आ रही एक मैक्स पिकअप गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी है। भीषण मोटरसाइकिल की टक्कर के चलते बाइक के परखच्चे उड़ गए और इस बीच 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बाइक सवार एक साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का शव मिला है। कमरे के अंदर फांसी से लटका हुआ यह शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना से परिजनों का बुरा हाल है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सालौन कोतवाली क्षेत्र के चमारन मजरे सोनवर्षा की यह घटना बताई गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, यहां आर न्यूज के कैमरे में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा कैद हो गया है। बता दें आपको कि इस महिला ने छत पर चढ़कर पहले काफी देर तक वहां पर ड्रामा किया और उसके बाद आत्महत्या करने का प्रयास कर दिया है। इस महिला की इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो सामने आया है, जो आपको बता दें कि छत से ये महिला कुछ देर बाद कूद गई। घायल अवस्था में इस महिला को रेफर किया गया अस्पताल में, जिसके बाद कानपुर के लिए महिला को रेफर किया गया। मामला मोधा कस्बे का है। गोरखपुर में भारत सरकार के द्वारा चलाई गई अमृत योजना के अंतर्गत तैयारी की गई है। गोरखपुर महायोजना 2031 का प्रारूप बाबा गंभीर नाथ के प्रेक्षागृह में विकास प्राधिकरण की उपस्थिति में किया गया। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि इस महायोजना को गोरखपुर 2031 प्रारूप के तहत हम लोगों के पास लगभग 11,000 आपत्तियां आई थी, 15 दिनों के अंदर उनका निस्तारण किया जाएगा। योजना जो हमारी बन रही है 2031 की, उसमें कुल 11,000 आपत्तियाँ हमको प्राप्त हुई थी। उन आपत्तियों के क्रम में हम लोग प्रतिदिवस जो है अलग अलग ग्रुप के लोगों को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक तरह की आपत्तियों का निस्तारण एक साथ किया जाए। और उसमें हम लोग दो चीज़ देखते हैं कि अगर आपत्ति एक तरह की है तो उनको एक साथ बुलाया जाता है, या फिर कोई एक साथ एक क्षेत्र से लोग हैं, मान लो कि झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 से हैं, 2 से हैं, 3 से हैं, या अभी जैसे कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रामनगर कड़जहा के रहने वाला हूँ जी। और पूरा रामनगर कड़जहा ये सरकार जो योजना चला है, जो कम जमीन, बहुत कम जमीन है, उससे हम लोगों को परिवार का पालन पोषण होता है। आज जब सरकार ले लेगी तो हम लोग रोड पर हो जाएंगे। और आपने जन सुनाई में क्या? मैं एक सेना से रिटायर सुधार मेजर हूँ जी, 10 साल हो गए रिटायर हुए। और मेरा रामनगर कड़जहा में जमीन है जो पुलिस चौकी बगल में, जो हाईवे फैसिलिटी जोन के अंदर आया हुआ है। मैं बहुत पहले 2010 में गया, एक सपना देखा था। हमारे पास 3 लड़के हैं, अच्छे से क्वालिफिकेशन, हाईली क्वालिफाइड किए हैं, लेकिन नौकरी मिली नहीं। तो हमारा एक सपना था कि हम जो है अपना वहीं पर। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को 4 बड़ी सौगातें दे दी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि देश में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों से हटकर अब विकसित राज्य की तरफ होते हुए नंबर 1 अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है आम समाज को जागरूक करने में, और मैं इस बात को मानता हूं कि
आज उत्तर प्रदेश और गोरखपुर विकास के और सुशासन के जिस नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, उसमें प्रबुद्ध जनों के द्वारा जन जागरण अभियान के साथ जुड़ने में जो भूमिका का निर्वहन किया गया, एक सकारात्मक भावना के साथ इस ऊर्जा का संचार किया गया, आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। वाह, सम्मानित मंच, माननीय सांसदगण, समय कम बा, हमके बहुत कम समय मिलल बा, सबके एक संगे प्रणाम, माननीय विधायक गण के प्रणाम, जितने मंचासीन हैं हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साहब के प्रणाम, धर्मेंद्र जी के, और जितने योद्धा आए हैं और जितने प्रेम करे वाला आयल बाड़न पूज्य महाराज जी के, पांचों विधानसभा से, अगल बगल के जिला से, जहां जहां से सब लोग एकदम चला हो चला हो चला हो प्रभु जन का सम्मान, चला चलन जाई हो प्रभु जन का सम्मेलन बा, महाराज जी से भेंट हुई, चला 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 तो देखे सब चला देना भैया, हाँ तड़ा ना भाई वो जाम बाबू। और रायबरेली फिल्म रिलीज हो चुकी है, बताया जा रहा है कि एक अच्छी पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर फिल्म है, और आपको ये भी बता दें कि रायबरेली फिल्म का अच्छा कलेक्शन देखने को मिला है। आने वाले दिनों में उम्मीद लगाई जा रही है कि रायबरेली की पहचान ये फिल्म बनेगी, जो फिल्म जगत में एक दिन निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगी। बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म के जरिए, इसमें एक्टर ने बहुत अच्छा सब लोग अपना रोल निभाया है, और इसमें ये रोल जिसके जरिए फिल्म की इन्होंने एक संदेश दिया है कि क्राइम कितना भी बड़ा हो, एक बार उस सत्य के सामने झुकना ही पड़ता है, उसे वापस उस राह पे, अच्छी राह पे लौटना पड़ता है। और इस फिल्म के माध्यम से रायबरेली शहर को बहुत ही अच्छा तरीके से, रायबरेली का एक जो करेक्टर इसमें दिखाया गया, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया, यहाँ की युवाओं का कोई संदेह। रायबरेली शहर से हमारा नाता है, बहुत पुराना नाता है, हम 93 से 95 हम लोग 2 साल यहाँ रह चुके हैं, और एक और हमारा रिश्ता है रायबरेली से, इमोशनल मैं जुड़ा हूँ, रायबरेली में हमारा ससुराल है, मजाक मजाक में 20 साल पहले मैं यहाँ बारात लाया था, तो ससुराल है और फिर इमोशनल जुड़ा हुआ हूँ। जब मुझे डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया अभिषेक चड्ढा जी का कि हम लोग रायबरेली में फिल्म बना रहे हैं और फिल्म का नाम भी रायबरेली है और आपका ससुराल भी है, फिर हमारे मित्र गौरव भाई का फ़ोन आया, फिर हमारे मित्र दिनेश श्रीवास्तव जी का फ़ोन आया, तो ये सब जुड़े हुए यहाँ से पुराने हमारे मित्र हैं, और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि रायबरेली फिल्म बन रही है और हमारा नाता भी है, रिश्ता भी है, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया, और ना उसमें पैसा देखा ना कुछ, मैं तुरंत आया, और मैंने मार्च के समय, हमारे ख्याल से मार्च में शूटिंग हुई थी, तो मार्च में मैं 3-4 दिन यहाँ रहा और शूटिंग किया, बहुत मज़ा आया। और गौरव तो अच्छा है ही, इतना सीधा है, इतना प्यारा इंसान है, ये मुझे लगता है ये हाजिर जवाब बहुत है, इससे कुछ भी पूछो तुरंत जवाब दे। मुंबई के चारकोप में एक बिल्डिंग में अश्लील फिल्म बनाने वाले गिरोह के कारनामे का खुलासा हुआ है। बता दें आपको कि एक महिला चारकोप इलाके में एक स्ट्रगलर के तौर पर फिल्म में काम की तलाश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान वो प्रोडक्शन टीम के संपर्क में आई, जिसने उसे एक विदेशी कंपनी के लिए बोल्ड वेब सीरीज करने को कहा। उसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और चारकोप थाने में महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकियों की तलाश भी की जा रही है। अंडू पुलिस स्टेशन से 00 से 29/11 को हमारे पास एक FIR प्राप्त हुआ था, जिसमें एक महिला ने ऐसी तकरार की है कि बोल्ड शूटिंग के नाम पे चारकोप हद में एक पुलिस एक फ्लैट के अंदर शारीरिक शोषण उसका किया गया था। पुलिस ने उसकी इमीडिएटली दखल लेके उसमें FIR रजिस्टर किया है, और महिला का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद हमारी तपास हमने आगे बढ़ाते हुए परसों एक आरोपी को उसमें अरेस्ट भी किया है। टोटल 4 लोगों के नाम से FIR है आरोपी में से, बाकी 3 को ढूंढने का। और अमरावती के विधायक बच्चू कड़ू ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष कर दिए हैं, कहा कि आलसी राजा का राज्य टिकता नहीं है और राजा होने के बाद सोना नहीं होता बल्कि लोगों से मिलना होता है। ठरलेल्या वेळेस भेटायचं असं होता कामा नाही, एक तर राजा व्हायचं नाही, झालं तर मग आळस काळत असल तर त्या राजाचं राज्य टिकत नाही हे आपण दाखवून दिलेलं आहे। अरे मग हे असताना मी त्यांना साधा एक पत्र दिलं आणि त्यांनी स्वतःहून फोन केला, आणि बच्चू दिव्यांगाचा विषय फार गंभीर आहे, मोठा आहे, महत्वाचा आहे, मग
संजय राउत ने गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी पर फिर से तंज कस दिया है। सवाल उठाया गया कि आखिर क्यों बीजेपी प्रत्याशी नहीं बल्कि मोदी, शाह और नड्डा के नाम पर वोट मांग रही है। तो वहीं हाल ही में राज्यपाल के दिए गए बयान को लेकर भी संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। कहा कि बच्चा बच्चा जानता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहां हुआ, शिवनेरी फोर्ट, लेकिन भाजपा ने पूरा इतिहास ही बदल दिया है। शिवनेरी का महत्व खत्म कर दिया गया है और महाराष्ट्र ये बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्यपाल पर भी एक्शन लेना होगा। मुझसे निकले मुझे मालूम है, पूरे देश को पता है, इतिहास को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे जिले में शिवनेरी फोर्ट शिवनेरी किले पर हुआ। इस राज्य का, देश का बच्चा बच्चा कहेगा, लेकिन भाजपा ने इतिहास बदल दिया। खुले मार दी शिवनेरी, शिवनेरी का महत्व खत्म कर दिया, किसी और जगह का नाम लिया कोकण। इतिहास आपको कौन सा इतिहास आप लिखना चाहते हैं, आप किसका इतिहास लिखना चाहते हैं? नया इतिहास है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ अपने गद्दारी की धोखाधड़ी की। और मामला फतेहपुर का है, जहां जिला अस्पताल में एक शख्स की जेब काट दी गई। बताया जा रहा है कि संतोष कुमार नाम का युवक जन औषधि केंद्र में लाइन में लगकर दवाई लेने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन इसी बीच लाइन में लगे हुए किसी शख्स ने उसकी पैंट के पीछे की जेब में रखे 8,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया है और ये शख्स गायब हो गया। युवक को जब जानकारी हुई तभी उसने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि हॉस्पिटल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे मात्र शोपीस की तरह से लगे हुए हैं। ये कैमरे काम नहीं करते और युवक के साथ हुई ये घटना, इसकी पूरी जानकारी को लेकर अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और उत्तर प्रदेश में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अहमदाबाद में जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शब्बीर अहमद के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महिलाएं टिकट लेकर इलेक्शन न लड़े। कहा यह भी गया कि इस्लामी शरीयत मुस्लिम महिलाओं को गंदी राजनीति करने से रोकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयते इस्लामिया ने मौजूदा इलेक्शन के ताल्लुक से औरतों के तहफ्फुज और उनके तकद्दुस, उनकी पाकीजगी का ख्याल रखते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए मना किया है, ताकि इसमें जो खराबियां हैं, बुराइयां हैं, उससे ख्वातीन महफूज रह सकें। इस्लाम औरतों के मकाम और उनके तकद्दुस का बड़ा लिहाज और पास करता है और उसमें बड़ी हैसियत इस्लाम ने दी है औरतों को, और उनकी पाकीजगी का ख्याल रखते हुए इस गंदी सियासत से बचने के लिए कहा गया है। और जहां तक मुमकिन हो मुस्लिम खवातीन को इस गंदी राजनीति से। मिर्जापुर से खबर है, जहां बता दें कि सरकारी नौकरी में हुई धांधली के खेल में मानक के विपरीत जिले में हुई 8 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। दरअसल साल 2016 में नियुक्ति पत्र पाने वालों के खिलाफ FIR लिखे जाने की तहरीर दी गई थी। इसके बाद ये कार्रवाई अंजाम में आई और पुलिस नियुक्ति के बीच बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू की और उसके बाद नियुक्ति टीम के खिलाफ जांच अभी भी जारी है। कुछ लोगों का सेवा समाप्ति के लिए तो क्या रीजन था, कब ये भर्ती हुई थी, क्या है पूरा मामला? वर्ष 2010 के बाद जो भी शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें 3 सदस्यीय कमेटी शासन से बनाई गई थी, जिसे अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष थे, अपर पुलिस अधीक्षक सदस्य थे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य, 3 सदस्यीय कमेटी थी। तो 2010 के बाद नियुक्ति हुई थी उसमें एक शिकायत आई थी। 2016 में 15,000 की नियुक्ति हुई और 16,448 अध्यापकों की नियुक्ति का मामले में एक शिकायत आई थी, उसकी जांच कराई गई। गोरखपुर में कुछ दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद इनोवा गाड़ी का शीशा तोड़ डाला है।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पीड़ित ने इसकी शिकायत कैंट थाने में दी है। बताया भी गया है कि पीड़ित सूरज कुमार भारती, उसने बताया है कि वो हुमायूंपुर उत्तरी का रहने वाला है और उसके साथ ये इस तरह की हरकत की गई है जहां उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। बस हम जा रहे थे, वो सब लगे बेंदाजी करने, हम लगे मारने। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पिलर्स, स्कूल बच्चे को लाने जा रहे थे। पिलर्स कौन सा, कहाँ पड़ता है ये? सिविल लाइन। सिविल लाइन। तो क्या क्या कुछ मामला हुआ था क्या उसमें? कुछ हुआ नहीं था, हम बस मोड़ रहे थे, उसको लग रहा हल्का सा टच हुआ है बस। रायबरेली में छज्जे से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है और इलाज के दौरान उस शख्स की मौत हो गई। सर क्या परिचय है? डॉक्टर एस के सिंह, एमओ जिला अस्पताल रायबरेली। रक्त साहब एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? एक अखंड प्रताप से प्रताप नाम का लड़का 19 साल का आया मेरे पास, जिसको बाएं एक जिला रीजन पे जो कांत बोलते हैं उसमें घाव था और वो घर पे कुछ फंक्शन था जिसमें कुछ कार्य कर रहा था, जिसके ऊपर से गिरा। गिरने के बाद से गेट पे कुछ सरिया थी, रॉड सरिया थी लोहे की, जो उसको घुस गया। घुसने के बाद से मैसिव ब्लीडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, वो अनकॉन्शियस रीजन में आया था। बाकी इस खबर के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए आर्य न्यूज़।